Okay, what is up everyone, this is Harshil, welcome back to a new video. जैसे कि मैं सीरीज निकालता हूँ कॉलेज फैक्ट्स वगैरह की, फाइव थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉलेज यूनिवर्सिटी, मिथ्स अबाउट दिस कॉलेज, थ्री रीजंस, फाइव रीजंस व्हाई शुड नॉट जॉइन दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज. वैसे ही आज मैं कवर करूंगा थ्री रीजंस व्हाई शुड नॉट जॉइन मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, या फिर आप HSNC यूनिवर्सिटी कॉलेज कह लो. HSNC बेसिकली मेजर जो कॉलेज आते हैं आपके, HRKC कॉलेज आते हैं आपका, मुंबई यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज आ जाते हैं, MBT, BNM, JN. फैक्ट वाली वीडियोस का पर्पस ये नहीं होता कि आप ये यूनिवर्सिटी कॉलेज डेफिनेटली ज्वाइन मत करो या खराब है या बहुत अच्छा है किसी में बता रहा हूं, तो इनका पर्पस है कि आपको क्लैरिटी दे दूं, इसका नेगेटिव पॉइंट्स बता दूं, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊं, जिससे जो आपका डिसीजन है बहुत इजीली हो जाए. ठीक है, आप क्लियर कर पाओगे, आप नेगेटिव्स लाइक ले पाओगे या फिर आप पॉजिटिव्स में ज्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज को चूज करने तो क्लियर हो जाए. इसी में बात करूं आज मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में, तो जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. ऐसी में और भी बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हो, तो आपको भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर चाहिए ऐसी वीडियो, तो कोई मतलब ड्रॉप कर दो, उसके ऊपर भी मैं स्टार्ट कर दूंगा बनाना. तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट रीजन विल बी कि जो आपका कैंपस बोल लो, ठीक है, आपका जो कैंपस हो गया, फिर आपकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मेजरली बोल लो, तो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज में, क्योंकि देखो मुंबई में स्पेस की कमी है. आप कोई भी कॉलेज उठा लो, आपका HR हो गया, आपका MIT, BNM, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, इनमें कैंपस सच में तो लैविशिंग नहीं है जो आप सोच के आ रहे हो, इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग बना रखी है. आपको कोई ऐसे स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह बहुत बड़ा आपको नहीं मिलने वाला है, एंड स्पोर्ट्स पे इतना फोकस नहीं मुंबई. तो अगर आप कोई सोच के रहे हो कि स्पोर्ट्स में आप बहुत इंटरेस्टेड, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, किसी में आपका पूरा ध्यान है, तो प्लीज मैं सजेस्ट करूँ कि आप एक बार फिर से लाइक रिकंसिडर करो, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह या एज सच कैंपस बहुत बड़ा आपको नहीं मिल रहा. रियलिटी है सारे कॉलेज की, नॉट सिर्फ कोई पर्टिकुलर कॉलेज, सारे कॉलेज इंक्लूडिंग NMIMS को बहुत बड़ा आपको टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, ये सब आपको नहीं मिल रहा. कैंपस भी एज सच बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग बना रखी है, उसमें आपके फ्लोर्स में कैंटीन वगैरह, एज सच लैविशिंग कैंपस नहीं है जो बाकी कॉलेज में, DU के कॉलेज में होते हैं, फिर आपके प्राइवेट कॉलेज सिम्बायसिस हो गया, क्राइस्ट वगैरह हो गया, उसमें होते हैं, ऐसे इधर नहीं है मुंबई कॉलेजेस में. ओके, सो नंबर 2 point will be कि आपका लिविंग एक्सपेंस मुंबई बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है, लिविंग एक्सपेंस या फिर आपका जनरल एक्सपेंस बोल दो. अगर मैं कंपेयर करूँ पुणे में आपके फ्लैट वगैरह 10-15K में बहुत इजीली आ जाते हैं. ठीक है, अगर मैं पुणे की बात करूँ तो फ्लैट बहुत ज्यादा चीप है. लाइक अगर आपको शेयरिंग करना है तो आपका पर पर्सन 5,000 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 10-12K जाता है. ठीक है, मैक्सिमम इधर भैया स्टार्टिंग 14-15K से होती है, वो भी घटिया से घटिया फ्लैट की. आपका लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, एंड ये सिर्फ फ्लैट्स के लिए नहीं, आपका हॉस्टल भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं. इवन कोई जो नॉर्मल चीजें भी आपकी, वो भी थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज. तो इन शॉर्ट बोलो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपका बहुत इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज. तो अगर आपके पास लाइक इतनी अभी नहीं है सोर्सेज इनकम की, या फिर आप में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूँगा फिर आप कंसिडर करो मुंबई के कॉलेज में आने के लिए. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट विल बी क्राउड. देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये देखो NMIMS को इधर एक्सेप्शन ले लो, इवन सेंट जेवियर्स को भी ले सकते हो, लेकिन आपकी जो मुंबई यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, MIT, BNM हो गया, यूनि जितने टॉप कॉलेज है, क्राउड इधर बहुत मिक्स्ड है. ठीक है, अच्छा क्राउड भी है, लेकिन मैंने देखी कि बेकार क्राउड भी आपको मिले. देखो क्या होता है कि क्राउड में जैसे मैं प्राइवेट कॉलेज आपके इतने टॉप के थे, NMIMS हो गया आपका, सिम्बायसिस, क्राइस्ट एंड आपका भी, मैं जेवियर्स भी कह रहा हूँ, सेंट जेवियर्स मुंबई, तो इनका क्राउड है काफी अच्छा है. मैं खुद लाइक गारंटी देता हूँ, काफी लोगों को जानता हूँ. देखो मुंबई यूनिवर्सिटी के MIT, BNM वगैरह मेरे कॉलेज के बहुत पास है, जैसे जो NMIMS है, मैं रोज देखता हूँ लाइक, तो क्राउड आपको मिक्स मिलेगा. ठीक है, आप गारंटी ऐसे नहीं हो सकते कि आपको बहुत अच्छा क्राउड सबके सब मिले. जैसे NMIMS में गारंटी ले सकते हो क्राउड बहुत अच्छा है सबके सब, लेकिन ऐसा उन कॉलेज में नहीं है, क्राउड आपको थोड़ा खराब भी मिल सकता है. रियलिटी है, आपको बता रहा हूँ जिससे आप पहले अवेयर हो जाओ. तो बस गाइज यही थी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज लाइक कर देना, फिर चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ. अच्छी अच्छी फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो, कॉलेज रिव्यूज वगैरह, का स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड, मैं कॉलेज ब्लॉग्स बनाता हूं, अपना स्टूडेंट लाइफ दिखाता हूं, वो सब भी आते रहते हैं. आपको चैनल पे एंटरटेनमेंट मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ. कुछ भी डाउट वगैरह करना हो तो ड्रॉप करो, या फिर आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, फॉलो कर लेना. तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ.